Assalamualaikum, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से आपको इल्म हो चुका होगा कि हम SPD CPU के मोबाइल का सॉफ्टवेयर करेंगे, जिसके लिए आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि तमाम फाइल्स एक फ़ोल्डर में पड़ी हैं। यहाँ पे हमारे सामने है अपग्रेड टूल, यानी कि SPD के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। SPD अपग्रेड टूल को हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें पैक फाइल होती है, SPD मोबाइल्स की फ्लैश फाइल होती है, उसको इस पे लोड करेंगे। लोड होने में कुछ सेकंड लगाएगा और ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में SPD मोबाइल्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, तो इसलिए उस सेटअप को मैंने स्किप कर दिया है। तो आपने फ्लैश करने के दौरान सबसे पहले अपने कंप्यूटर में SPD के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने हैं, उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो SPD अपग्रेड टूल है, इस पे हम मोबाइल की जो फ्लैश फाइल है जो कि पैक फॉर्मेट में है, उसको लोड कर रहे हैं। तो लोड होने में कुछ वक्त लगाएगा और इस दौरान मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किसी किस्म की हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तमाम SPD मोबाइल्स को फ्लैश करने का सेम तरीका है। फाइल लोड होने के बाद हम टूल पे प्ले के बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद मोबाइल को कंप्लीट ऑफ कर देंगे, अगर हो सके तो। अगर बैटरी निकल सकती है तो बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगा देंगे और मोबाइल का जो वॉल्यूम डाउन का बटन है वो प्रेस करके USB केबल अटैच कर देंगे। और अगर तो वॉल्यूम डाउन के बटन से SPD टूल पे फ्लैशिंग, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही है, ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, तो आप उसके बाद वॉल्यूम ऊपर, जिससे वॉल्यूम अप किया जाता है, उसको दबा के USB केबल लगाएं, तो इंशाल्लाह फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आप जहन नशीन कर लें कि फ्लैशिंग के दौरान आप मोबाइल को हरगिज़ डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा और बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी है और केबल हमेशा ओरिजिनल इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा आप प्रॉपर तरीके से ये जहन नशीन कर लें कि जो फ़ाइल आप SPD अपग्रेड टूल के ज़रिए मोबाइल पे फ्लैश कर रहे हैं, आया वो आपके मोबाइल मॉडल के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर आप गलत फ़ाइल को मोबाइल पे फ्लैश करेंगे तो इस सूरत में आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी तमाम वीडियो की। और अगर आप लोगों को किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो या कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।